नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में। चमोली में स्थित भगवान बद्रीनाथ के कपाट मंगलवार को सुबह 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए गए हैं। कोविड नियमों का पालन करते हुए सादगी से कपाट खोलने का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सीमित संख्या में ही लोग मौजूद रहे। श्रद्धालुओं को आने की अनुमति अभी नहीं होगी। मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इससे पहले 14 मई को यमुनोत्री के कपाट और 15 मई को गंगोत्री के कपाट खोले जाने के दौरान भी यही व्यवस्था लागू की गई थी। बता दें कि उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में चारों धाम के नाम से मशहूर बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट हर साल 6 माह के शीतकालीन अवकाश के बाद अप्रैल मई में श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। गढ़वाल की आर्थिकी की रीढ़ की माने जाने वाली चारधाम यात्रा पर भी कोविड-19 का साया पड़ गया है। पिछले साल नियमित समय से देर से शुरू हुई चारधाम यात्रा को इस बार भी कोविड-19 के मामलों में उछाल आने के चलते फिर स्थगित कर दिया गया है। चारधाम यात्रा को स्थगित करने की घोषणा करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत ने पिछले महीने कहा था कि धामों के कपाट अपने नियमित समय पर ही खुलेंगे, लेकिन वहाँ केवल तीर्थ पुरोहित ही नियमित पूजा करेंगे। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद जिलों में मई के दौरान कोविड से हुई मौतें कोरोना काल में सबसे अधिक मौतें हैं। सरकारी आंकड़े इसकी गवाही भी देते हैं। दरअसल बीते साल मार्च में अब तक नोएडा में 392 कोविड मरीजों की मौत हुई थी, जबकि इस साल 1 मई से 16 तारीख तक नोएडा में 180 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस लिहाज से मई के ही पहले हफ्ते में 46% मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं अप्रैल में कोरोना से कुल 121 लोगों की मौत हुई, जो कुल मौतों का 31% है। 1 मई से 16 मई तक नोएडा में कोविड मरीजों की मौत का प्रतिशत 77% रहा है। उसी प्रकार गाजियाबाद में कोरोना से कुल हुई 74% मौतें 1 अप्रैल से 16 मई के बीच ये मौतें हुई हैं। सिर्फ मई के पहले 16 दिनों में ही 169 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। गाजियाबाद में कुल मौतों का आंकड़ा 375 है। 1 मई से 16 मई के बीच दर्ज की मौत का आंकड़ा 45% है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि यह डाटा ये स्पष्ट रूप से अप्रैल और मई के पहले हफ्ते में संक्रमण की गंभीरता को दर्शाता है। इस महीने में अभी 12 दिन बचे हुए हैं और जिले में प्रतिदिन मौतों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इस महीने में मरने वालों की संख्या 200 के पार हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमित 285 और लोगों की मौत हो गई और 9391 नए मरीज इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड संक्रमित 285 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद प्रदेश में अब तक इस वायरस से मरने वालों की संख्या 17,817 हो गई है। पश्चिम बंगाल में नारदा सिंह केस को लेकर बवाल हो गया है। ममता बनर्जी सरकार के दो मंत्री समेत तृणमूल कांग्रेस के चारों नेताओं को आधी रात के करीब जेल भेज दिया गया। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने सभी की जमानत रद्द कर दी थी। सभी नेताओं को सीबीआई ने कल छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद टीएमसी ने कहा है कि मोदी सरकार बंगाल में हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए बदले की कार्रवाई कर रही है। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में टीएमसी के नेता फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा, पूर्व टीएमसी नेता और कोलकाता के पूर्व महापौर सुवन चटर्जी को जमानत दे दी थी, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने जल्द ही निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 6 घंटे तक सीबीआई कार्यालय में धरने पर बैठी रही, जबकि उनके समर्थकों ने परिसर को घेरे रखा। केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के खिलाफ राज्य के कई स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन हुए। बता दें कि हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल 2017 को स्टिंग ऑपरेशन की जांच सीबीआई को करने के निर्देश दिए थे। बाद में एक विशेष अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्य के मंत्रियों फरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी, पार्टी विधायक मदन मित्रा और पार्टी के पूर्व नेता और कोलकाता के पूर्व मेयर सुवन चटर्जी को जमानत दे दी थी। सीबीआई ने चारों नेताओं और आईपीएस अधिकारी SMH मिर्जा के खिलाफ अपना आरोप पत्र दाखिल किया था। मिर्जा इस समय जमानत पर हैं। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी नीत केंद्र सरकार पर विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजनीतिक प्रतिशोध के लिए सीबीआई के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कृणाल घोष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में रोजाना आने जाने वाले जिन मुसाफिरों को राज्य की जनता ने चुनाव में पूरी तरह से नकार दिया, उन्होंने इस महामारी के संकट के बीच पिछले दरवाजे से घुसने की साजिश रची है। उन्होंने भी तृणमूल कार्यकर्ताओं से संयम बरतने का आग्रह किया है। गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।